So hi guys, this is Varsha and you're Jing, Mastermind. So guys, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हाउ टू चेक योर आईसीएसई एंड आईएससी 2020 बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स ऑनलाइन। तो रिजल्ट कैसे चेक करना है ये आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को पता है वो भी इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज मैं मास्टरमाइंड चैनल का एक पुराना प्रीवियस बैच स्टूडेंट है जो कि 2019 बैच का स्टूडेंट है, तो मैं उस स्टूडेंट का रिजल्ट ऑनलाइन चेक करके दिखाने वाली हूँ कि रिजल्ट में कैसे रिजल्ट शो होता है ऑनलाइन, और परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि दिया रहता है ऑलरेडी, एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। और साथ ही साथ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे व्हाट इज कैप्चा, तो कैप्चा क्या है वो भी उसको लेकर भी हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखना। लेट अस बिगिन। सो गाइस, आईसीएसई या फिर आईएससी 2020 का बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट ऑनलाइन चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो मैंने भी यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा, आईसीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आपको, इसलिए आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा CISCE.org। तो मैंने भी यहाँ पे टाइप कर लिया CISCE.org। तो अब आपको इसको सर्च करना है तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आईसीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट का पेज यहाँ पर ओपन हो गया है। अब आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिजल्ट्स 2019। तो आपको रिजल्ट्स 2020 चेक करने के लिए जिस दिन भी आपका रिजल्ट होगा, तो रिजल्ट आएगा जब भी, तो यहाँ पर शो होने लगेगा रिजल्ट्स 2020। अभी यहाँ पर 2019 इसलिए शो हो रहा है क्योंकि आपका 2020 का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एक प्रीवियस बैच स्टूडेंट यानी कि 2019 बैच स्टूडेंट का रिजल्ट चेक करने वाली हूँ यहाँ पर। तो रिजल्ट आपको शो करने वाली हूँ कि कैसे रिजल्ट, मतलब क्या क्या चीज को आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ता है, इंडेक्स नंबर कैसे लिखना पड़ता है और यूनिक आईडी यूआईडी कैसे लिखना है। उसके बाद आप कितने सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे थे कि कैप्चा कैसे एंटर करें, कैप्चा क्या होता है। तो मैंने जो कि आईसीएसई 2020 रिजल्ट्स का स्टूडेंट रिएक्शन वाला वीडियो बनाया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि कैप्चा क्या होता है, प्लीज टेल दीदी व्हाट इज कैप्चा एंड ऑल। सो सब चीज को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर रिजल्ट्स 2019 पे क्लिक करके आपको शो कर देती हूँ कि रिजल्ट्स कैसे आपको सब कुछ फिलअप करना है। तो ये पेज ओपन होकर आ जाएगा आपके सामने। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ दिया है, कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, उसके बाद यूआईडी दिया हुआ है, यूआईडी मतलब यूनिक आईडी, उसके बाद इंडेक्स नंबर है तो इंडेक्स नंबर में स्लैश देकर वो जो नेक्स्ट डिजिट होता है आपको वो भी एंटर करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कुछ कुछ रेड रेड कलर और येलो येलो कलर ऑरेंज कलर से कुछ शो हो रहा है, तो इसे ही बोला जाता है कैप्चा, तो इसे कैप्चा बोला जाता है। तो कैप्चा क्या है बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, सो लेट मी टेल यू दैट कैप्चा एक्चुअली यू आर नॉट अ रोबोट। इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर कैप्चा का कोड एंटर करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये सब फिलअप करना पड़ेगा, कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, यूआईडी लिखना पड़ेगा, उसके बाद इंडेक्स नंबर यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद कैप्चा में जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बेसिकली व्हाइट बॉर्डर दिया हुआ है और उसके अंदर में जो लेटर्स है आपको सेम चीज को यहाँ पे टाइप करना है और शो रिजल्ट पे क्लिक करने से आपका रिजल्ट शो होने लगेगा। तो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी फिलअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले कोर्स को आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर दो चीज है, एक आईसीएसई है और एक आईएससी है। तो अगर आप आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट हो तो आपका क्लास 10 का रिजल्ट चेक करना है तो आपको यहाँ पर आईसीएसई सेलेक्ट करना है, और अगर आप आईएससी क्लास 12 स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर आईएससी सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड जो भी चीज़ है प्रोसेस सेम है, बस यहाँ पर कोर्स डिफरेंट होगा अगर आप आईएससी स्टूडेंट हो तो। तो मैं यहाँ पर आईसीएसई स्टूडेंट का चेक करने वाली हूँ, तो मुझे यहाँ पर आईसीएसई सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर आ गया यूनिक आईडी, तो यहाँ पर आपको यूनिक आईडी भरना पड़ेगा आपका, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी रिजल्ट चेक करो तो आप अपना एडमिट कार्ड साथ में रखना, क्योंकि शायद आपको यूनिक आईडी याद भी हो लेकिन यहाँ पर आपको इंडेक्स नंबर का भी काम आने वाला है। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर तो आपको याद नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली इंडेक्स नंबर तो आपको याद नहीं होगा, यूनिक आईडी सारे स्टूडेंट्स को याद रहता है और कुछ स्टूडेंट को नहीं भी रहता है, लेकिन इंडेक्स नंबर शायद ही किसी किसी को याद रहता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्स के टाइम आप अपना जब रिजल्ट चेक करोगे तो एडमिट कार्ड को आपको अच्छे से रखना है, प्लीज डोंट मिसप्लेस इट। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर भी आपको एंटर करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी एंटर कर देती हूँ यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर। सो यहाँ पर यूनिक आईडी मैं एंटर कर रही हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पर यूनिक आईडी एंटर कर दिया, अब आपको एंटर करना है इंडेक्स नंबर यहाँ पर, तो मैं इंडेक्स नंबर भी एंटर कर देती हूँ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर स्लैश देकर जो है वो भी आपको एंटर करना पड़ेगा। तो गाइस, मैंने यहाँ पर सारा डिटेल्स फिलअप कर दिया है, उसके बाद कैप्चा है, तो फाइनली कैप्चा में जो भी शो होगा जो भी लेटर्स, तो यहाँ पर H E S E H सब कैपिटल लेटर्स में है, तो आपको सेम चीज को यहाँ पर फिलअप करना है।
एंड इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर जो जो कैप्चा में आ रहा है आपके भी मतलब स्क्रीन पे वही आए, कुछ भी आ सकता है। तो जो भी यहाँ पर लिखा रहेगा आपको सेम कॉपी पेस्ट लिखना है, यहाँ पर जो जो चीज है आपको सेम चीज को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। तो सब कुछ कैपिटल लेटर्स में है तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। यहाँ पर फर्स्ट में एच है, उसके बाद ई, देन एस ई एच। तो मैंने यहाँ पर कैप्चा भी एंटर कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर शो रिजल्ट है तो ये हमारा लास्ट क्लिक है, उसके बाद रिजल्ट शो होने लगेगा ये स्टूडेंट का। तो मैंने सब कुछ एंटर कर दिया, ऑल नेसेसरी डिटेल्स। यहाँ पर शो रिजल्ट पे क्लिक करना है तो एक्चुअली यहाँ पर रिजल्ट शो होने लगा है गाइज, आप यहाँ देख सकते हो। इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 एग्जामिनेशन 2019। तो ये 2019 का रिजल्ट है, 2019 बैच का स्टूडेंट था ये, तो यहाँ पर शो हो रहा है 2019। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे कैंडिडेट नेम, तो यहाँ पर कैंडिडेट नेम लिखा हुआ है वासु वर्मा। आपका जो भी कैंडिडेट नेम, आपका जो भी नाम से आप रजिस्टर्ड हो, जो भी एडमिट कार्ड में आपका नाम है, सेम नाम यहाँ पर शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कैंडिडेट आईडी यानी कि यूनिक आईडी, यूआईडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका यूनिक आईडी शो होगा। उसके बाद डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ, ये भी यहाँ पर दिखा रहा है 7/5/2003। उसके बाद यहाँ पर स्कूल नेम जो भी है आपका वो यहाँ पर शो होने लगेगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है श्री दियोचंद सबकेल मेमोरियल स्कूल, आपका स्कूल नेम दिया रहेगा। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज पे हम आते हैं, तो ये है हमारा सब्जेक्ट्स दिया हुआ है यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर टोटल मार्क्स कोड और यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स, तो यानी कि यहाँ पर एवरेज निकाल कर यहाँ पर फाइनल परसेंटेज मार्क्स दिया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप सारे सब्जेक्ट्स में पास हो या फिर बेस्ट ऑफ फाइव में अगर आप पास हो तो यहाँ पर नीचे लिख कर आएगा पास सर्टिफिकेट अवार्डेड। यहाँ पर नीचे आप रीड कर सकते हो पास सर्टिफिकेट अवार्डेड। अगर कोई भी स्टूडेंट पास सर्टिफिकेट नॉट अवार्डेड लिखा हुआ है, मतलब कि आप फेल हो आईसीएसई बोर्ड एग्जाम्स में, सो मोस्ट प्रोबेबली आपका पास सर्टिफिकेट अवार्डेड ही होगा, आप टेंशन मत लो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो लाइन है लिटरेचर और लैंग्वेज जो है साथ में है ये बॉर्डर के अंदर। तो यहाँ पर दोनों का मार्क्स दिया है टोटल मार्क्स, उसके बाद यहाँ परसेंटेज मार्क्स में दोनों का एवरेज निकाल कर दिया हुआ है, तो एवरेज आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, एवरेज दिया रहेगा। रादर बेस्ट ऑफ फाइव का ओवरऑल परसेंटेज आपको खुद से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर रिजल्ट में आप देख सकते हो कि कहीं पर भी परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, तो वो आपको खुद से निकालना है, लेकिन यहाँ पर एवरेज दिया रहता है। तो इंग्लिश वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया लैंग्वेज और लिटरेचर को मिलाकर, तो यहाँ पर इंग्लिश में इस स्टूडेंट का ये टोटल मार्क्स है 84 इंग्लिश लैंग्वेज में। ग्रामर लिटरेचर, तो लिटरेचर में यहाँ पे 100 में 92 है, तो अच्छा स्कोर किया है इस स्टूडेंट ने। और इसका एवरेज अगर आप निकालोगे 84 + 92 / 2, तो यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स यानी कि दोनों का एवरेज मिलाकर आपका 88 आया। सो गाइस इंग्लिश के बाद आप दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर नीचे देख सकते हो, ये जो ब्लू लाइन के अंदर है मार्जिन के अंदर, तो ये है हिंदी। तो ये बेसिकली सेकेंड लैंग्वेज है, यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है, जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया है तो वो हिंदी हो सकता है, बंगाली हो सकता है, या फिर तमिल मलयालम कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज का मार्क्स है 98, सो आउट ऑफ 100 98 दिस इज अ वेरी गुड मार्क्स। तो यहाँ पर सिर्फ 2 मार्क्स घटा है यहाँ पर स्टूडेंट का, तो यहाँ पर ओवरऑल हिंदी का तो कोई एवरेज नहीं होगा, तो हिंदी का 98 आया, तो 98 में 98 ही रहा। बट नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर सोशल स्टडीज का मार्क्स, तो हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी है, तो हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी दोनों का HCG पेपर 1 और 2 होता है, दोनों का मिलाकर एवरेज होता है। तो ये ब्लू मार्जिन के अंदर आप देख सकते हो दोनों एक साथ है, क्योंकि उसका एवरेज मार्क्स हो। यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स में आउट ऑफ 194, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड मार्क्स। यहाँ पर सिर्फ 6 मार्क्स लूज किया है स्टूडेंट ने, और ज्योग्राफी में आप देख सकते हो 86 है। तो 86 और 94 दोनों का एवरेज निकाल कर यहाँ पर 90 आया, तो जो कि सोशल स्टडीज का मार्क्स है हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी मिलाकर 90 है। उसके बाद मैथमेटिक्स का मार्क्स आप देख सकते हो, तो इस स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स में सबसे लो मार्क्स स्कोर किया है, तो यहाँ पर 67 है, तो 67 का 67 ही रहेगा परसेंटेज मार्क्स। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो साइंस, तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये तीनों का एवरेज मार्क्स निकालकर 82 आ रहा है स्टूडेंट का, तो फिजिक्स में 73 है, केमिस्ट्री में 84 और बायोलॉजी में 90 स्कोर किया है स्टूडेंट ने। तो यहाँ पर अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो साइंस रहेगा, नहीं तो फिर अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो इकोनॉमिक्स और जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सब आएंगे यहाँ पर। उसके बाद नीचे देख सकते हो कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो स्टूडेंट का जो कि सब्जेक्ट है ग्रुप 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट, यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, आपका कमर्शियल एप्लीकेशंस भी हो सकता है या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो सकता है, होम साइंस हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, इकोनॉमिक एप्लीकेशंस हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में स्टूडेंट ने 88 स्कोर किया है आउट ऑफ 100, तो ये 88 है। और SUPW एंड कम्युनिटी सर्विस, तो यहाँ पर SUPW आपको पता ही होगा क्या है, हैंडवर्क एंड ऑल आपको करना पड़ता है, और कम्युनिटी सर्विस भी होता है, क्लीनिंग एंड ऑल होता है।
मार्क्स नहीं मिलता है, यहाँ पर ग्रेड्स मिलता है SUPW में। तो SUPW में स्टूडेंट को ए मिला है, ग्रेड स्टूडेंट का सारा मार्क्स है 88, 98। तो अब यहाँ पर जो भी है आपको कैसे परसेंटेज निकालना है बेस्ट ऑफ फाइव का, तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। बेस्ट ऑफ फाइव में इंग्लिश कंपलसरी है, यानी कि 88 आया स्टूडेंट का, तो इंग्लिश को लेना ही पड़ेगा इसे। अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करो तो इस स्टूडेंट का परसेंटेज मोस्ट प्रोबेबली, अगर आप बेस्ट ऑफ फाइव रूल अप्लाई करो और कैलकुलेट करो, तो मैथ्स को यहाँ पर आप एक्सक्लूड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है मैथ्स में, सिर्फ 67 है आउट ऑफ 100, तो ये लो है, लेकिन और सारे सब्जेक्ट्स में 90-80 प्लस है। तो आप यहाँ पर 80 प्लस है सारे सब्जेक्ट्स में बेस्ट ऑफ फाइव में। तो आप यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको जो कि फाइनल परसेंटेज है वो 89.5% जैसा मोस्ट प्रोबेबली मिलेगा। सो दिस इज हाउ यू नीड टू चेक योर रिजल्ट्स ऑनलाइन फॉर ICSE एंड ISC। एंड जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को रिजल्ट के दिन देख रहा है, सो ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू।